बार भी तहसील प्रांगण में कोरोना गाइडलाइन के चलते रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें क्षेत्र से आए हुए श्रद्धालु और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी संख्या में भी लोग मौजूद रहे। स्थानीय प्रशासन के द्वारा विसर्जन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग पूरा समय चल समारोह से लेकर विसर्जन तक व्यवस्थाओं में जुटा रहा। खबर पोलाय कला से है, जहां शुक्रवार को देश भर के साथ साथ पोलाय कला में भी लगभग 51 फीट दशानन के पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर पोलाय कला के सांस्कृतिक मैदान में रावण दहन का मुख्य समारोह आयोजित हुआ और कार्यक्रम में विधायक के साथ साथ पूर्व विधायक और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुनील देथल सहित प्रशासन की ओर से तहसीलदार और कई गणमान्य उपस्थित रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने मन के अंदर राम और रावण दोनों विद्यमान हैं, पहले अपने मन के रावण को मारो और राम का रूप अपने आप बाहर आएगा। सिरोंज कोरोना से जंग जीत लेंगे हम। सिरोंज की रहने वाली कक्षा प्रथम की छात्रा फहीम हसन ने कोरोना को लेकर क्षेत्रवासियों को जागरूक किया। इस छोटी सी बच्ची की तारीफ हर जगह अब की जा रही है। मेरी आदरणीय अध्यापिका एवं प्रिय मित्रों, मेरा नाम फहीमा हसन है। मैं कक्षा प्रथम की छात्रा हूँ। मैं एक सफाई कर्मी हूँ। जी हाँ, वही सफाई वाला जो मैले कुचैले कपड़ों में हमारे घर गली सड़कों अस्पतालों की सफाई करते हुए प्रतिदिन नजर आता है। मेरी इन्हीं सेवाओं के कारण मुझे कोरोना योद्धा भी कहते हैं। कोरोना महामारी के समय जब सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपना व्यवहार बदल रहे हैं, ऐसे समय में हम सफाई कर्मी ही प्रतिदिन अपने काम को करते हुए कोरोना से लड़ रहे हैं। ऐसे खबर विदिशा से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 96वां स्थापना दिवस गयारसपुर में शिशु मंदिर से लेकर बस स्टैंड तक पथ संचालन किया गया। वहीं इस दौरान शस्त्र पूजन और गाजे बाजे के साथ पथ संचालन किया गया। रास्ते में ग्रामीणों ने पथ संचालन कर रहे स्वयं सेवकों के ऊपर पुष्पों की वर्षा भी की। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विजय संकल्प दिवस और उपचुनाव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। भूपेंद्र सिंह ने यह बताया कि उपचुनाव के क्षेत्रों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर विजय संकल्प ध्वज फहराया गया। परसों का अध्यक्ष का कार्यक्रम भी बना हुआ है और बाकी हमारे केंद्र के जो राज्य के केंद्र में आज जो विजय संकल्प ध्वज लगाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था, हम सब को अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है बहुत ही उत्साहजनक तरीके से ये कार्यक्रम हुआ है। प्रत्येक मतदान पर ये कार्यक्रम, मतदान केंद्र पर ये कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी, हमारे लाल सिंह आर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, फग्गन सिंह जी कुलस्ते सहित सरकार के सभी मंत्रीगण, अन्य पार्टी के वरिष्ठ सभी नेतागण अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
ऐसा कोई बूथ नहीं है 3067 बूथ पर से जिसमें आज ये ध्वज लगाने का कार्यक्रम ना हुआ हो। सभी जगह विजय संकल्प ध्वज लगाए गए हैं और घर घर जाकर जनता से विजय का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी ने आज मांगा है और बहुत उत्साहजनक सभी जगह कार्यक्रम हुए हैं। अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं उसके फोटो अभी हम लोगों के पास आए। पूरा देश विजयदशमी पर भगवान श्री राम की पूजा करता है और रावण के पुतले का दहन करता है, लेकिन विदिशा में 55 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव ऐसा है जहां रावण की पूजा की जाती है। विदिशा की नटरेन तहसील के रावण गांव में देश की परंपरा के विपरीत रावण को देवता मानकर पूजा आराधना की जाती है। रावण को यहां रावण बाबा कहा जाता है। इतना ही नहीं, गांव की विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के सामने निकलती हैं तो घूंघट कर लेती हैं। ये हमारे रावण बाबा महाराज जी का मंदिर है, आश्रम है और इनकी ऐसी मानता है कि शुभ कार्य जो भी होते हैं प्रथम जैसे हम प्रारंभ करते हैं, जैसे हमारा यज्ञ हो, रामायण हो या वान हो या शादी हो, जैसे शादी है तो पहले नारियल अगरबत्ती तेल का पुआ इनकी नाभि में लगाया जाता है जब हमारी शादी संपन्न होती है, नहीं तो हमारी शादी संपन्न तो विघ्न आती है। करैया गर्म तो होती ही नहीं है, दिन भर ही बत्ती जलती रहेगी, नौकरी भी गर्म नहीं होगी। खबर पोलाय कला से है जहां पुष्पावती की पावन नगरी में विजयदशमी के पावन पर्व पर देश सेवा की भावना को लेकर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पथ संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें शस्त्र पूजन, संघ ध्वज का पूजन कर संघ गीत प्रस्तुत किए गए। वहीं अतिथियों ने संघ की विचारधारा को बताते हुए कहा है कि हमारा तन मन धन सब राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने हमेशा देश हित के साथ राष्ट्र सेवा के भाव को तत्परता के साथ निभाया है। खबर विदिशा के गयारसपुर से जहां सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा प्रहरी जवानों के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में 2347 किलोमीटर की साइकिल रैली निकाली जा रही है जो कि पश्चिम बंगाल के गांव केवड़िया गुजरात से 17 सितंबर से निकली है जो कि 31 अक्टूबर गुजरात राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू पहुंचकर समाप्त की जाएगी। यह राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में यह रैली सशस्त्र सीमा बल द्वारा निकाली गई है। यह भारत भूटान सीमा के जयगांव से चलकर केवड़िया गुजरात तक लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचेगी। 40 दिन का हमारा सफ़र है। यह राष्ट्रीय एकता का भाव लोगों में जगाना इस रैली का मकसद है तथा साइकिलिंग को एक कल्चर की तरह पॉपुलर करना भी लोगों में, क्योंकि पर्यावरण को भी हमारे बहुत नुकसान पहुंच रहा है और हमारे लाइफस्टाइल की डिजीजेज भी बहुत हो रही हैं, तो लोग हेल्दी रहें, लोग फिट रहें और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, इस मकसद को लेकर हम भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक यह रैली निकाल रहे हैं। और अब रुक करेंगे खबर उत्तर प्रदेश की ओर जहां